अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल जायका सहनाज का। तो आज सब आप सबके लिए मैंने रेस्टोरेंट स्टाइल फ्राइड राइस की रेसिपी बनाई है, जो कि बहुत ही इजी और सिंपल है, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये। तो मैं आपको राइस बॉयल होने से लेके पूरा फ्राइड राइस बनाने तक का वीडियो आपको मैं दिखाऊंगी। तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को एंड तक देखें। मेरी रेसिपी आपको अगर अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। तो चलिए फटाफट से मैं रेस्टोरेंट स्टाइल मज़ेदार सी ये फ्राइड राइस आपको घर पे बहुत ही आसानी से बना के बताती हूँ। मैंने पहले से ही गैस पे पानी रख दिया था, कढ़ाई पे पानी में बॉईल आ चुका है। हम इसमें चावल को बॉईल करेंगे। तो चावल यहाँ पे मैं 1 कप चावल ले रही हूँ और धो के इसको मैं अच्छी तरह से साफ कर लिया है। अब इसी पानी में हमें डाल देना है राइस। अब एक बार मिक्स करेंगे राइस को और इसमें थोड़ा सा हम ऑयल डाल देते हैं ताकि हमारा जो चावल पकने टाइम में स्टिकी ना हो। तो मैं 1 टीस्पून ऑयल डाल दे रही हूँ उसमें और हम चावल को पका लेंगे जब तक कि हमारा चावल पक नहीं जाता है। तो देखिए राइस जो है हमारा एकदम से बॉयल हो चुका है। मैं आपको हाथ से भी तोड़ के दिखा देती हूँ। तो अब इसको मैं छान लेती हूँ। तो देखिए चावल को मैं छान के मैंने इस तरह से एक बड़े से प्लेट में फैला दिया है ताकि चावल का हीट जो है वो एकदम से बाहर निकल जाए और हमारा चावल जो है फ्राइड राइस के लिए एकदम से अच्छा बने ताकि स्टिकी ना हो। तो ये हमारा छानने का प्रोसेस ख़त्म हो गया है, अब बनाने का स्टार्ट करते हैं। तो कढ़ाई मैंने एकदम से हाई फ्लेम में गैस पे रख दिया है और अब कढ़ाई को गर्म होने देते हैं। कढ़ाई गर्म हो चुका है, अब इसमें ऑयल डाल देंगे। 1 टेबल स्पून ऑयल डाल दे रही हूँ मैं और अब ऑयल को गर्म होने देंगे। हम जो भी करेंगे फुल फ्लेम में रख के हमें ये फ्राइड राइस बनाना है। तो ऑयल गर्म होने देते हैं। सबसे पहले ऑयल गर्म होते ही मैं इसमें डाल दूँगी एकदम से बारीक कटा हुआ लहसुन 1 टीस्पून और उसके बाद डालूंगी एकदम बारीक कटा हुआ अदरक, वो भी 1 टीस्पून है। अब हम इसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसी में मैं डाल दूंगी एक छोटा सा इसका ऑनियन, जिसको मैंने बहुत ही फाइन चॉप कर लिया है, और इसको 1-2 सेकेंड हम सॉटे कर लेंगे। अब इसमें डाल देंगे 2 हरी मिर्च चॉप कटे हुए। अब इसी में मैं वेजिटेबल्स डालूंगी अपना। मैंने वेजिटेबल्स में थोड़ा सा कैप्सिकम को चॉप किया है उसे डाल देंगे और थोड़ा सा गाजर चॉप किया हुआ है उसको भी डाल दूंगी और बीन्स है उसको भी मैंने थोड़ा सा चॉप कर लिया है एकदम बारीक। अब इसी में डालेंगे हम हरा ताज़ा मटर, आपके पास हो तो डालें नहीं तो मत डालें, और कैबेज यानी कि पत्ता गोभी मैंने इसी तरह से फाइन चॉप कर लिया है। अब पूरे वेजिटेबल्स डाल के हम अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्लेम को हमने हाई में ही रखा हुआ है, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको और इसको भी 1-2 सेकंड्स के लिए हम सॉटे कर लेंगे। अब 1-2 सेकंड सॉटे करने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी नमक। नमक मैं टेस्ट के हिसाब से ही डाल रही हूँ 1 टीस्पून, अब भी अपने टेस्ट के हिसाब से ही डालें। और अब डालेंगे इसमें ब्लैक पेपर मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और अब डाल देंगे इसमें अपना राइस, बॉइल्ड राइस डालेंगे अब इसमें हम। बॉइल्ड राइस डालने के बाद हमें इसे हल्के हाथों से मिक्स करना है। ये देखिए हल्के हाथों से मैंने मिक्स किया। अब इसमें हम डाल देंगे सोया सॉस। सोया सॉस मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ
सोया सॉस डाल के हम मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर लिया है मैंने और हमारी जो फ्राइड राइस एकदम बन के रेडी है। तो मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ और गर्मा गर्म फ्राइड राइस हम सर्व करेंगे। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल दूंगी। मज़ेदार सी गर्मा गर्म फ्राइड राइस, भेज फ्राइड राइस की रेसिपी रेडी है। आप ज़रूर ये रेसिपी ट्राई करें और मुझे कमेंट करके बताएं आपको मेरी फ्राइड राइस की रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलती हूँ एक अलग रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ।